नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह है और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। कैंसर के दौरान जो मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो हम PGI से करवा रहे थे और ट्रीटमेंट करवाने की वजह से मेरी जो जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, वो मैं छोड़ चुका था। क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि बच्चे को कुछ भी हो, अगर एक बुखार भी आया था तो उसी टाइम हमें उनको बच्चे को लेके जाना पड़ता था PGI में, तो इस वजह से मेरी जॉब भी छूट गई। कैंसर के दौरान डॉक्टर्स ने हमसे 2 इंजेक्शन मंगाए, जो कि मैं कुमार एंड कंपनी 11 सेक्टर में उनकी मेडिकल शॉप है, वहाँ से मैं 2 इंजेक्शन लेके आया था। जब मैं कुमार एंड कंपनी वालों के पास गया तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर लेके जाने हैं तो 2 ही लेके जाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम आपको 1 भी नहीं देंगे। तो एक तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे बच्चे की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, तो मुझे उनसे 2 इंजेक्शन लेके जाने पड़े। और वो जो इंजेक्शन की जो कीमत थी, एक इंजेक्शन की कीमत थी 45,000। इट मीन्स कि मैंने 90,000 रुपये उसी टाइम एट अ टाइम अपने फ्रेंड से कर्जा लिया, जो कि 10% में मैंने उनसे लिया था, 10% में उनसे मैंने ब्याज लिया था। आज वो जो अमाउंट है 70,000 पहुँच चुकी है, जिसके कि मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि मुझे पैसे दो, पैसे दो। तो जब मेरे बच्चे को एक इंजेक्शन लगने के बाद मेरा जो बच्चा था वो पूरा हो गया। और अगले दिन मैं वो इंजेक्शन जो मेरे पास बच गया था वो लेके कुमार एंड कंपनी वालों के पास गया और मैंने उनको वापस कर दिया कि सर, ये आपका इंजेक्शन है, आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे जो बनते हैं वो मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। इस चीज़ को ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए हैं। वो जो कुमार एंड कंपनी का जो ऑनर है मिस्टर करण, वो हमें आज तक मतलब गोलियां देता जा रहा कि आप आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। तो पीछे ही हफ्ते मेरी उनसे बात हुई है, जो कि मुझे बोला है कि आप अपना इंजेक्शन ले जाओ, ये वापस नहीं होगा और ना ही हम कोई आपको पैसे वापस करेंगे। तो आज मेरी जो कुमार एंड कंपनी वालों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे के इंजेक्शन के पैसे थे, अब मेरा बच्चा तो रहा नहीं, तो बट जो मैंने पैसे उनको कैश 45,000 दिए थे जो मैं कर्जा में लेके आया था, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे रिटर्न कर दे ताकि जो मेरा कर्जा है मैं कुछ उससे मुझे राहत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सैमुअल विलियम ज़ीरो रेवोल्यूशन की तरफ से आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे दोस्त मिस्टर भीम सिंह जी जो पटियाला से हैं, हमने इनकी कहानी सुनी, इनके 7 महीने के बेटे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सपायर हो गए हैं, वो कैंसर की बीमारी से बड़े पीड़ित थे। और एक इनकी कहानी सुन के बड़ा दुख हुआ कि मेडिकल स्टोर वाले ने, कोई कुमार एंड कंपनी के नाम से 11 सेक्टर में एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, जिन्होंने इन गरीब लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार किया, इसे हम भ्रष्टाचार का नाम ही देंगे। ऐसी चीज़ें देखकर, ऐसी चीज़ें सुनकर बड़ा दुख होता है। कुमार भाई साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के लोगों को सताना बंद कीजिए। अभी तो ये भाई ही सामने आए हैं, अभी और लोग सामने नहीं आए, आपने पता नहीं किन किन लोगों के साथ ऐसा किया होगा। बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति से अभी ये गुजर रहे हैं, बेटे के इलाज में लाखों रुपए का कर्ज हो गया है। आपसे भी इन्होंने कुछ इंजेक्शन के पैसे लेने, आपने इंजेक्शन वापस ले लिया बट उनको इनके पैसे नहीं दिए, इतने टाइम से आप इनको लारे पे लारा लगा रखा है आपने। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सर, आप इनके पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो हमें आपके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हम आपकी दुकान के सामने बैठकर आंदोलन करेंगे, ओके? हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे सर। आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अमीर इंसान हैं, तो क्या अमीर ऐसे बना जाता है किसी गरीब को परेशान करके? आप प्लीज़ इनके पैसे जल्दी से जल्दी दे दीजिए। नमस्कार।